आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। सब आइडेंटी करप्शन या न्यूज चैनल से इस समय उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में मौजूद हैं और खासकर यहाँ सदर कोतवाली के अंतर्गत हमने देखा किस प्रकार से मगरवारा चौकी के अंतर्गत एक गांव भग्गी खेड़ा का एक मामला आता है और भग्गा खेड़ा का, और इसमें हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से 55 वर्षीय एक व्यक्ति जो इनका नाम लखपत है वो एक गड्ढे में उनकी लाश मिलती है और जहाँ पे प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन पहुँचती है और स्थानीय स्तर पे पुलिस पहुँच कर ये शंका जाहिर करते हैं कि वो एक दुर्घटना रही है, और जबकि उनके परिवार के लोग परिवारजन सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। आगे किस आधार पे ये बात इस प्रकार के संशय की स्थिति है सीधे इन्हीं से जानते हुए। जी अपना नाम बताएं। शिवम साहू। शिवम, आप मृतक के कौन है? लड़के हैं उनके। आखिर ये बताइए क्या रहा मामला और किस प्रकार से आप इस आरोप को लगा रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है? मामला ये रहा कि 7 बजे वो घर से निकले थे जी चोकर लेने के लिए, बट जब वो 9:30 बजे तक घर वापस नहीं है तो हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया है। जब ढूंढना स्टार्ट किया तो वहीं पे जो है रेलवे क्रॉसिंग के पास एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा था, उसी में लोगों स्थानीय लोगों ने बताया पहले वहाँ साइकिल पड़ी थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी साइकिल भी गायब थी, केवल स्लीपर जो है उनके बाहर पड़े थे और उनका शव जो है गड्ढे के अंदर था, और वो शव ऐसा लग रहा था कि मार के डाला गया था जी, जिस सिचुएशन थी उसमें। बाद में जब हम लोगों ने निकाला तो उनके मुँह से एक बूंद भी पानी नहीं निकला सर जी, और कुछ नहीं, फिर घर जाके लेके गए सर जी ये सब। और ये मामला जब जाहिर सी बात है उसका पोस्टमार्टम हो जाता है तो इसमें क्या कुछ चोटें वगैरह के जो निशान है उस पर आप क्या बता रहे थे? चोट उनकी पहले से थी, ये चोट थी नाक में चोट थी, बाकी जब पोस्टमार्टम रिकॉर्ड हुआ तो ये एक भारी चोट निकल के आई है सामने, ये भारी चोट पीछे जो है भारी चोट निकल के सामने आई है। तो आप किस प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे हैं? आशंका ये उनकी सर जी ये जो है हत्या की गई है एक तरीके से, क्योंकि उनके पास जो पैसे वैसे थे पूरे पैसे पड़े थे, उनका रुपया पैसा नहीं निकाला गया है, सब ये सब पैसा पूरा पड़ा था, उनकी हत्या हुई है ये बिल्कुल कन्फर्म है सर जी। और भी हम देख रहे हैं लोग मौजूद है सीधे से जानते हुए। जी आप मृतक की कौन है? पत्नी। जी आपका शुभ नाम? मंजू साहू। तो ये बताइए आखिर क्या रहा मामला? वहाँ गए थे, गिर गए, चोकर लेने गए थे, जब नहीं आए देर तक भैंसी लगावे खड़ी रहे, हम सोचा कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जब भैया ड्यूटी तिलक टिकाए तब हम भेजा, हम कहा जाओ भैया बाबू घर नहीं है। जब ढूंढे गए तो सप्तन ढूंढिया कहूँ नहीं मिले, जब हुए गए एक ड्यूटी का लड़का आवती रहा वो कहूँ साइकिल देखो ये, जब हम शोर मचावा तो वो बतावे लाग साइकिल हुआ पड़ी, तो हम कहा भैया हुए जाओ देखो जाए, जब गए तो साइकिल हुआ पड़ी न रहे लेकिन बाबू के चप्पल पड़े रहे तो वहीं गड्ढा में देखें तो बाबू उल्टा पड़े रहे, भैया मारे गए हैं तब तो डारे गए हैं पहले ते नहीं हम नहीं, जैसे आप बता रहे हैं मारे गए हैं, किसके ऊपर आप हत्या का ये आरोप मतलब आशंका व्यक्त कर रहे हैं, किस आधार पर? क्या कोई लड़ाई हुई थी उनकी किसी से? लड़ाई भैया पहली बार जिंदगी में पहली ही बार भय है, लेकिन लड़ाई यह बड़ी भारी पड़ी गए। किस से? गडेरिया रहे भैया, लड़ाई भय है, वही लोग पहले ही बार हमारे बाबू के ऊपर देख लो, जिंदगी में कबो रिपोर्ट नहीं भय, वही लोग रिपोर्ट भी लिखवाई नहीं, और गुंडा में उनका छपवाई नहीं है का पन्नो ये पेपर में भी छपवाई नहीं है निकलवाई नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है? सर लड़ाई हुई थी 7-8 महीना पहले सर जी, अब उन लोगों को जो है उन लोगों ने पहले बदतमीजी के में भी पिताजी के साथ भी हाथापाई भी करी, इसके बाद जब उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ हुआ इसके बाद उन लोगों ने हमारे पिताजी से बार बार यही बोले थे हम तुमको देख लेंगे, तुमने गलत किया है हम तुमको देख लेंगे, कई बार उनको धमकी दी जा रही थी सर जी, कई दिनों से उनको धमकी दी जा रही थी ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो और भी उस गांव के निवासी मौजूद हैं उनसे भी देखते हैं आखिर इनका क्या मत है, क्या मानना है। जी आप बोल पे दे रही जी, उनकी हत्या की गई है, वो हमारे पिता हैं, उनको मार के डाला गया है, और के निशान थे, मुंह में गुलूम पड़े थे, पूरा चेहरा काला पड़ा था, और रोड जैसे ये बनी है पानी इधर है तो वो पड़े उधर मिले थे, उनको उधर डाला गया, उधर घास वास सब मुड़ी पड़ी थी, सब पानी एकदम थोड़ा थोड़ा सा उसमें डूब नहीं सकते, उनकी हत्या करके उसी में डाला गया है, नाक में खून लगा हुआ था, सब चिपका हुआ था। आपका क्या मानना है? हाँ चोकर घर से ले गए रहे तो एक मैं सबको ढूंढ रहा लड़का बच्चा और बच्चों का 11 तब यो भाग कि मतलब वहाँ देखो जाए जहाँ साइकिल पड़ी तो वहाँ देखें जाए तो उधर मिले मतलब और सब चोट अलग ही रहा है मतलब मोट फूट रहा है खून निकला रहा है नाक से नहीं आया सब रहा है। तो ये आपका मानना है दुर्घटना नहीं है? हत्या की गई है उनकी, हत्या करके पहले पानी में फेंका गया है। आपका क्या मानना है? हम आत्मा का मांग रही भैया, हत्या किन गए उनकी, अपने आप नहीं मरे, उनकी आत्मा हत्या की गई, चोकर लेने गए रहे, चोकर लेकर के आए नहीं वहीं पकड़ लेंगे, वो आत्मा हत्या किन गए।
अब किससे कैसे हत्या है कैसे? हम समझित रहे कि हमारे मनई के रात में पुलिस आ गए तो हमारा पुलिस केस हो गया। पीड़ित ने शिकायत की कि हमारे पिताजी को यहाँ पर मारा गया, जिस जगह पे मारा गया मैं उस जगह पे आ चुका हूँ, अब एंटी करप्शन टीम हमारी यहाँ पे आके जांच करेगी। अभी इससे पहले यहाँ के कोतवाली पहुँच कर वहाँ के अरविंद कुमार जो वहाँ के प्रभारी थे उनसे जांच के बारे में पूछताछ की, इन्होंने भी अपने अवगत कराया अपनी जांच से क्या कार्रवाई उन्होंने अभी तक की। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पे लखपत की हत्या, ये हत्या हुई और ये वो पानी भरा हुआ तालाब है जहाँ पर उसकी लाश मार के फेंकी गई। मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा जरा उस जगह को दिखाएं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहाँ पे लाश फेंकी गई थी और उसके साथ मैं देख रहा हूँ और आगे भी झाड़ी है और साथ में झाड़ी के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पानी भी उसमें भरा हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे और लोग मौजूद हैं जो उनके परिवार से संबंधित लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगा इस पड़कड़ के बारे में क्या है पड़कड़, क्या मामला, जरा मुझे ये बताइए। आप क्या नाम है आपका? शिवम साहू। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये जो पड़कड़ हुआ है, लखपत की हत्या हुई है, किस जगह पे हुई है? ये यहीं पे हुई है जहाँ पे इस समय हम लोग हैं, वो इस समय यहीं पे हमको जो लाश मिली थी वहाँ पे मिली थी, और सिर्फ चप्पल जो है इनके बाहर और साइकिल बाहर पड़ी थी, लेकिन जब हम लोग आए साइकिल भी नहीं मिली थी, केवल चप्पलें बाहर पड़ी थी और लाश जो है वो झाड़ियों पानी के बिल्कुल बीचों बीच में मिली थी हमको। जैसा कि इनका कहना है कि पानी के बीचों बीच लाश पड़ी मिली थी, और इनकी और कुछ सामान वगैरह भी मिला उनका? सामान केवल चप्पलें बाहर पड़ी थी, बाकी जो उनका गमछा गायब हुआ था, गमछा पहने रहते थे, गमछा लेकिन नहीं मिला उनका। तो ये हत्या का कारण क्या था, कि हत्या किसने की, किसी के ऊपर आपको शक है? शक क्या, वही गांव वालों में जो है थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था 7-8 महीना पहले, वो झगड़ा उन्हीं की रंजिश थी, उन लोगों ने कई बार डराया धमकाया भी है, उन्हीं लोगों का मामला है लगभग हमें लग रहा है सब। बाकी इनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने यहाँ डराया धमकाया था, उससे पहले उनसे रंजिश चल रही थी, उस रंजिश के लिए यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई भी की है, उसके बाद अभी तक थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस प्रकार जो एंटी करप्शन संज्ञान लेकर जो वहाँ के SHO थे मिस्टर अरविंद कुमार, उनसे संपर्क किया, उनसे पूरी जानकारी ली है इस प्रकरण की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा और जल्दी इसमें FIR भी लॉज होगी और कार्रवाई भी होगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि और कुछ बताएं इस प्रकरण के बारे में, लखपत के साथ की हत्या जो हुई उसमें कौन लोग शामिल थे, किस पे आपको शक है, और कुछ और जानकारी दें इसके बारे में। जानकारी बस यही इतनी है कि जिन लोगों ने, बाकी और कोई उनका ऐसा मैटर नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी थी, ना ही उनके साथ कोई ऐसे लूटपाट की घटना हुई है जिससे उनको प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे उनके जेब में पूरे निकले, जो पैसे पड़े थे सारे पैसे निकले हैं, और बस सर पे ये चोट के निशान थे, पानी इसमें इतना नहीं है कि आदमी गिर के डूब के मर जाए, ऐसा कोई था भी नहीं, पेट में पानी वानी भी नहीं निकला है। बस मामला ये है कि जहाँ पर वो रंजिश थी बस वही एक सिंगल हमारी रंजिश, और किसी से कोई मतलब नहीं हमारा। इनका कहना सिर्फ एक ही व्यक्ति से हमारी रंजिश थी, मैं उस पर पूरा मुझे शक है, उसके द्वारा ये हत्या कराई गई है। अब मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मैं कुछ जानकारी चाहूँगा, वो कुछ मुझे बताएं। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने हत्या करते देखा और यहाँ लाश फेंकते देखा, ये आपको किसने अवगत कराया? ये अवगत यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन वो लोगों ने बस इतना बताया भैया हमने यहाँ पे 4 आदमियों को 1 आदमी को लेते हुए जाते हुए देखा है, बट कोई ये सामने आके ये सब चीज़ें नहीं खुलकर बोलना चाहता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग थोड़ा डर रहे हैं, बस बोलने में सबको जो है दिक्कतें हो रही हैं। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं इस घटना की जानकारी उनसे लूँगा कि हत्या जो, हाँ क्या नाम आपका? लाल सिंह। यहाँ हत्या उनकी की गई है। ये जो 5 दिन पहले हत्या हुई है, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? मार डाली गई। ये हत्या हुई है? जैसा कि यहाँ पे कहना है कि वो कह रहे हैं लोग नशे की हालत में, कोई ऐसी वारदात हुई है? नहीं, नशे में नहीं था, उसी हत्या की गई। और ये हत्या का कारण क्या था कि आपको कुछ अवगत कराएं, ये हत्या कोई रंजिश का कारण हुई है या किस तरह से हुई है? अब रंजिश समझे पर रंजिश द्वारा भई है और हमने बोले तो ये रंजिश, इनका ही कहना है रंजिश द्वारा, ये मतलब रंजिश रही है इस द्वारा, इसी लिए इनकी हत्या हुई है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और भी एक दो लोग खड़े हैं, क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ, इनका नाम है सूरज, ये इनसे पूछना चाहता हूँ जो लखपत की हत्या हुई इस बारे में आपको क्या जानकारी है? वो चोकरा लेने यहाँ आए थे, उनको चोकरा लेने यहाँ आए थे, इसके बाद चोकर इन्हें
ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं अपने पलकड़ को, और मैं चाहूँगा कोई और भी क्षेत्रीय लोगों को जो जानकारी मुझे मिलती है मैं आपकी उससे भी अवगत कराता हूँ। एंटी करप्शन इंडिया से अतर हुसैन चीफ एडिटर आज उन्नाव के उन्नाव में मौजूद हूँ, इस प्रकरण से अवगत करा रहा हूँ। अगली अपडेट में किसी ने प्रकरण से अवगत कराऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।